ना जाना भूल। अब की बार कमल का फूल, भूले से ना जाना भूल। अब की बार कमल का फूल, अब की बार कमल का फूल। आज विधानसभा इस तरह और एक तरफ महल में रहने वाला जिनका पैसा के अपार, और वो पैसा कहाँ से आया है पत्रकारों को बताने का आवश्यकता नहीं। ये सारी भ्रष्टाचार की पैसा है, चाहे कोयला में दलाली हो, चाहे शराब में दलाली हो, चाहे चावल में दलाली हो। आज ही आप ही लोगों ने छापा है खनिज न्यास में 1200 करोड़ की दलाली, नगर निगम में गुणवत्ता विहीन कामों के निर्माण। इस तरह से 15 साल में विधायक जी ने अरबों खरबों की संपत्ति कैसे बढ़ा, ये जनता को बताना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जो चुनाव के समय जब वो जाते हैं तो खुद तो जनता के बीच में जा नहीं सकते, अपने बंगले पर लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, साड़ी बांट रहे हैं, और चुनाव के समय धन बल 500,000 रुपया बांटते हैं। मैं तो जनता से अपील करता हूं कि वो आपका पैसा है, बेईमान के पैसों को बेईमानी करने में पाप नहीं लगता। आप 50,000-1,00,000 रुपया मांगिए, क्योंकि वो आपका पैसा है, आपसे कमाया हुआ पैसा है। 15 साल पहले उनके पास क्या धन संपत्ति था और आज क्या धन संपत्ति है, पूर्ण रूप से ये भ्रष्टाचार की पैसा है। पट्टा कांग्रेस के लोगों ने 15 साल से चिल्ला रहे हम पट्टा देंगे, पट्टा देंगे। हम लोगों ने पट्टा के आंदोलन भी किया तो बड़ा बड़ा उनका बयान आना प्रारंभ हो गया कि हमारा पट्टा बन गया है। तो हम कब बोलते हैं भाई पट्टा मत दो, हम तो तुरंत पट्टा दो करके हड़ताल किए थे। बाकी आज वो पट्टा नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी और कोरबा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो हम लोग दुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, सरकारी जमीन में रहने वाले एक एक व्यक्ति को खोज खोज कर पट्टा दिलवाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब वो पट्टा मिलेगा उस समय उसका जांच होगा कि कौन दलाल क्या किया है। वैसे कांग्रेस के लोग जमीन दलाली में सबसे माहिर हैं, खुद मंत्री जी जमीन का अफरा तफरी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी ईडी ने फाइल उठा कर ले गया है, उसमें भी सुनने को आता है मंत्री जी कई अपने चहेते लोगों के नाम से प्लाट खरीद कर मुआवजा उठाने के चक्कर में लगे हुए हैं।